हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हम गाजर को धोकर उसे छीलकर घिस लेंगे और उसके बाद इसे घी में भूजें। अगर आप चाहें तो तेल में भी भूज सकते हैं, यह थोड़ा थोड़ा पानी भी छोड़ेगा, तो इसे अच्छे से भूनना ज़रूरी है। इसका पानी सूखने तक हमें अच्छे से चलाते रहना है और भूनना है। जब इसका पानी सूख जाए तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसे दूध में अच्छे से पकाएंगे। दूध को भी अच्छे से सूखने तक पकाना है। इधर तब तक हमने सभी ड्राई फ्रूट्स को इकट्ठा कर लिया है, काजू, किशमिश, इलायची पाउडर और मखाना। हम मखाना को इसमें पहले ही डाल देंगे। इसमें अभी आधा दूध सूख चुका है और आधा है, तो हम अब मखाना को इसमें डालकर मिला लेंगे ताकि मखाना इसमें अच्छे से पक जाए। बस अब दूध सूखने की देर है और हमारा हलवा बन जाएगा। तो हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे वरना यह जल जाएगा। हमारा हलवा तैयार है, इसका दूध सूख चुका है, तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और साथ में इलायची पाउडर भी डाल देंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा गुड़ वाला खोआ भी डाला है, इससे स्वाद और अच्छा आ जाएगा। और अब चीनी डाल दें और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दें। बस चीनी गलने की देर है और हमारा यह गर्मा गर्म हलवा बनकर तैयार है। इसे अच्छे से मिला दें और उसके बाद इसे गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।